आ रहे हैं। एक कुआं यहाँ पे भी है, पहाड़ों का पूरा पानी बहते बहते बहते। अच्छा कुआं, अभी हमने एक दो तीन ये तीनों खेत। नमस्कार दर्शकों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, आज ट्यूसडे है 3 अगस्त 2021 और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम अपने बगीचे में आए हुए हैं और इधर अपने बगीचे में टहल रहे थे तो इधर देखे कि पैरे में बहुत सारे मशरूम उठे हुए हैं तो उन्हें अभी निकाल लेते हैं, ठीक है। और ये जो पैरा है धान मिसाई करने के बाद जो सूखी घास बच गए थे ना धान के, उसे इधर फेंक दिए जो कि पैरा बन जाता है और इसे जानवरों को खिलाने के लिए यूज किया जाता है। पर ये बारिश में भीगने की वजह से ये सड़ जाते हैं और सड़ने के बाद इस तरह से मशरूम निकलते हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस तरह से मशरूम उठे हुए हैं, इन्हें निकालते हैं अभी। ये देखिए, ये है ना कतई जहर, इसे इस कंटेनर में रखते हैं और भी बहुत सारे हैं उसे भी निकालते हैं। इधर और है कतई जहर, और बहुत सारे हैं। अपना कंटेनर इतना भर गया और इसमें पूरा निकालते हैं जल्दी से। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कल फिर से निकल जाएगा इस तरह से। जब पूरा मशरूम इस तरह से खिल जाता है तो इसको इसे उठा लेते हैं और लगभग अभी हमने सभी मशरूम को यहाँ से निकाल लिया है और ये अपना कंटेनर भी पूरी तरह से भर चुका है। अभी इसे लेकर चलते हैं घर की ओर, ये सब्जी बनेगा। और दर्शकों बता दूं, ये मशरूम खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और इनमें भर भर के पोषक तत्व मौजूद होते हैं, तो ये हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी बात है। ये देखिए दर्शकों, अपने बगीचे का बाहर वाला सीन। इन खेतों से पानी तो सूख चुके हैं लेकिन जो धान के पौधे हैं वो देखिए कितनी अच्छी तरह से निकल चुके हैं और कुछ दिन में ये सारे के सारे खेत हरे भरे हो जाएंगे उन खेतों की तरह। सूरज भी काफ़ी ऊपर निकल चुका है, इधर बैलों से हल जुताई कर रहे हैं और माहौल काफ़ी बढ़िया है, मस्त ठंडी हवाएं चल रही हैं। आज लग रहा है कि धूप निकलेगा बढ़िया, बारिश नहीं होगी। अभी कुछ दिनों से कंटिन्यू बारिश हो रही थी, डेली के डेली हम भीग रहे थे। धूप तो अभी मिल ही नहीं पा रहा है हम लोग को, चिड़ियों की आवाज सुन सकते हैं काफी मधुर आ रही है। देखिए सूरज की किरणें चारों तरफ फैलेगी आज, इतने पेड़ पौधे पंछी जानवर सभी को आज धूप मिलने वाला है। दर्शकों इधर देखिए अपने बाड़ी का सीन, इन मेड़ों के रास्तों से होते हुए हम अपने बगीचे की ओर जाते हैं और इन रास्तों का भी रिपेयरिंग चल रहा है। इधर धान की बुनाई हो चुकी है, आगे वाले खेत में रोपाई हो रही है, इधर भी एक दो दिन में धान की बुनाई हो जाएगी। तो मैंने बोला था ना कि देखते ही देखते इन दोनों तीनों खेतों में धान की रोपाई हो जाएगी और
ये सारा का सारा खेत हरा भरा हो जाएगा और काम चालू है, एक दो दिन में हो ही जाएगा। और ये देखिए इन कीचड़ों का सामना हर दिन हमें करना पड़ रहा है। और दर्शकों इधर देख सकते हैं, ये जो खेतों में धान की बुआई हुई है तो जो पानी ऊपर से आ रहा है उसे नाली के माध्यम से इसमें इसे बहा रहे हैं और नीचे की ओर भेज रहे हैं। अगर ये पानी इन खेतों से होकर आएगा तो जितने धान के बीज बुनाई किए हैं ना, वो बह जाएंगे नीचे और उतने अच्छे तरीके से इसमें धान नहीं होगा, इसलिए नाली बना दिया गया है ना, तो पानी इसमें अच्छे से नीचे की ओर जा सके। यहाँ पे एक छोटी सी घाटी है, ठीक है, जिसमें कि कभी भी फिसल के हम गिर सकते हैं, फिर भी हर रोज इसमें हम चढ़ते उतरते हैं और पैर फिसलता ही रहता है। ये देखिए इधर धान की रोपाई चल रही है, गाँव की बहुत सारी महिलाएं हैं, देखिए 10 से 15 महिलाएं रोपाई कर रही हैं। दर्शकों अभी 9:30 बज रहे हैं और हम अपने पहाड़ वाले खेतों की तरफ जा रहे हैं। परसों अधूरा काम छोड़ते गए थे, कल रेस्ट कर रहे थे और आज फिर से उन खेतों को चिकला करने जा रहे हैं। आज धान की बुनाई नहीं करेंगे, कल या परसों बुनाई करेंगे, ठीक है। इधर देख सकते हैं एक कुआं यहाँ पे भी है खेत के अंदर में, और मेड़ों के रास्ते से होते हुए हम पहाड़ों की तरफ जाएंगे अभी। और इसमें बुनाई हो चुका है धान की, देखिए टिकरों में उधर हल से जुताई कर रहे हैं। अभी हम अपने खेत के पास आ चुके हैं, ये देखिए दूसरे वाले खेत का भी काम पूरा हो चुका है। आज काम करने वाले 4 से 5 लोग हैं, इसलिए आज काम जल्दी हो गया। तो यहाँ से अब घर की ओर चलते हैं, अगर बीच रास्ते में कहीं खेत है उधर ही जाएंगे, उस पेड़ को काट रहे हैं, काटने के बाद उसे उठाकर यहाँ पे लाएंगे ताकि जो ट्रैक्टर है वो आसानी से उतर सके चढ़ सके, इसलिए व्यवस्था कर रहे हैं पेड़ की डाली को यहाँ डालने का। फिर इसे कुछ डालियों को डाले हैं उसको भी लेकर आएंगे यहाँ पड़ेगी। ये देखिए ट्रैक्टर चढ़ने के लिए हम व्यवस्था कर दिए हैं, अब यहाँ से निकलते हैं, अपन बांध के साइड जाएंगे और हमारे काम करने के लिए। दर्शकों अभी दोपहर के 2 बजने वाले हैं और ये देखिए हम अपने खेत की ओर आए हैं। ये बांसवाड़ा जो बांध है इसके नीचे साइड है और ये हमारा कुटिया छोटा सा, इसके अंदर रात को सोते हैं जो यहाँ पे पहरेदारी करता है गर्मी के दिनों में, जब तो फसली धान लगाते हैं तब। अभी फिलहाल इसका कोई यूज नहीं है कि अभी हर तरफ धान की बुआई चल रही है, रोपाई चल रही है। और बारिश के दिनों में यानी इस समय अगर बारिश होती है, इधर से आप टहल रहे हैं यहाँ पे या काम कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप बच सकते हैं। और इधर किनारे किनारे में सगुन के पौधे लगाए गए हैं और एक आध दो काजू के पेड़ भी हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे पेड़ हैं उनका नाम तो नहीं पता मेरे को। और इधर जो गर्मी के दिनों में धान की मिसाई किए थे और जो पैरा बच गया था उसे यहाँ रखे थे, लेकिन यहाँ पे जो पैरा पुटू है ना मशरूम, वो नहीं उठ रहा है, उठे रहा तो यहाँ से निकालते और लेके जाते घर। तो चलिए दर्शकों अभी आपको मैं बांध का दर्शन करा दूँ।
और इधर देख सकते हैं अपना बांसागुड़ा बांध। इधर पूरा जो खेत है ना, इन खेतों में धान की खेती होती है, मगर अभी बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से देखिए खेत किस तरह से पानी से भरे हुए हैं। आगे में भी पहले सब्जियां लगाते थे और इन खेतों में गन्ना लगाते थे, लेकिन आजकल गन्ने की खेती बंद हो चुकी है। उधर जितना देख रहे हैं ना बेसराम के जितने पौधे हैं, उधर उस साइड एरिया में जितना दूर तक नज़र जाए पूरा गन्ना ही गन्ना रहता था, लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब अब खेती करना छोड़ रहे हैं, धान की ही खेती करते हैं और दूसरा काम धंधा देखते हैं अपना। और यहाँ पे नहाते हैं पत्थर वत्थर डाल के इस जगह पे। और दर्शकों इधर मैं आपको बता दूँ, इधर से देख रहे हैं ना पूरा पहाड़, ठीक है, इन पहाड़ों का पूरा पानी बहते 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 खेतों से होते हुए यहाँ इस बांध में रुकता है। और ये बना हुआ है बड़ा सा बांध, अगर ये फट जाए गलती से ना तो ये जो उस साइड पे गांव है ना वो बह जाएंगे। हालांकि इसे बहुत अच्छी तरह से बांधा गया है, पूरा पत्थर वत्थर डाल दिए हैं, देख सकते हैं इस तरह से पत्थर चलाए हुए हैं, ये देखिए तो पूरा इस तरह से किनारे किनारे पूरा यहाँ से वो लास्ट तक पत्थर डाल दिए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी दिन देखने को मिलेगा कि ये जो मेड़ है बड़ा वाला ये फट जाए। और दर्शकों यहाँ नहाने में काफ़ी मज़ा आता है और ज़्यादातर इधर पिकनिक स्पॉट टाइप का इधर जगह बना के रखे हैं, इधर पिकनिक मनाने के लिए आते हैं ज़्यादातर लोग और यहाँ एंजॉय करके अपने घर की ओर जाते हैं। ये हमारे खेतों के नीचे साइड पूरा गड्ढा है और इधर ढेर सारे देखिए पेड़ पौधे बेलें लताएं हर चीज़ इधर भरा पड़ा है। और इधर से पानी कलकल कलकल करते नीचे बह रहा है, यहाँ बैठ के आप जिसका साउंड है ना इसे एंजॉय कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। ये देखिए किस तरह से पत्थर लगे हुए हैं इन मेड़ों में। और ये सामने में देख सकते हैं एक जामुन का बड़ा सा पेड़ है जिसमें बच्चे चढ़ते हैं इसके ऊपर और चढ़ने के बाद वहाँ से नीचे कूदते हैं। और यहाँ से कूद कूद कर नहाते हैं, एंजॉय करते हैं। मैं भी कभी करता था बचपन में। ये देखिए सीन देखिए पहाड़ों का। क्या मस्त लग रहा है। बारिश जब खत्म हो जाएगा ना फिर देखना यहाँ का पानी पूरा नीला हो जाता है, मतलब देखने में कतई जहर लगता है। यहाँ पे एक कुआं टाइप का है छोटा सा, यहाँ शायद तक गेट वेट बनाए थे पहले। देखिए क्या हाल हो चुका है इसका भी। यहाँ से पानी जाता है और उधर खेत वगैरह हैं, उधर धान की बुआई करते हैं और पानी की पूर्ति यहाँ से होती है। इधर भी धान की बुआई किए हैं देखिए। और यहाँ पे मेड़ बना दिए हैं पक्की ईंटों का और पत्थर वगैरह भी डाल दिए हैं। यहाँ पे एक सीढ़ी भी है ऐसे उतर सकते हैं। और जब पानी ज़्यादा भरता है ना इस बांध में, यह पानी इससे मेड़ों से होते हुए इधर जाता है और पानी की पूर्ति करता है इन धान के फसलों को। गड्ढा नहीं है इधर, ये पूरा इतना
पैर के घुटने तक ही आएगा। लगभग यहाँ से आप 50 किलोमीटर आगे जा सकते हैं, घुटने तक ही पानी रहेगा, उसके बाद आगे गड्ढा है। और ये देखिए खूबसूरत नज़ारा है ना। ये जब जामुन के इसमें फल लगते हैं ना, इन दोनों पेड़ में, तो यहाँ नहाने आते हैं तो यहाँ से पहले जामुन खाते हैं, जामुन खाकर जब पेड़ भर जाता है फिर यहाँ नहाने जाते हैं। और इधर है काजू का बगीचा, ठीक है, तो गर्मी के दिनों में यहाँ फलता है, तो वही अपन पहले काजू खाते हैं, खाने के बाद इधर नहाने जाते हैं। आम के बहुत सारे पेड़ हैं तो पहले आम खाते हैं फिर नहाने जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग सीज़न में अलग अलग फल खाते ही रहते हैं अपन, यही तो मज़ा है अपने गाँव का। गर्मी के दिनों में यहाँ का पूरा ये सामने वाला हिस्सा देख सकते हैं, ये पूरा सूख कर मैदान बन जाता है। यहाँ पे बहुत सारे दर्रे हैं, दर्रे की वजह से कीचड़ होता नहीं है और यहाँ पे अच्छे से आप चार पहिया चला सकते हैं अगर नए ड्राइवर हैं तो। यहाँ पे जो नए ड्राइवर रहते हैं वो यहाँ सीखते हैं और चार पहिया चलाने का मज़ा लेते हैं। मैं भी बचपन में आता था, 8वीं 9वीं पढ़ता था तो, और यहाँ पे चार पहिया चलाने की कोशिश करता था, पर एक दो बार चलाया फिर छोड़ दिया। हम भी सीखेंगे कुछ दिनों में। और यहाँ पे हवा चल रही है, पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं, देखिए सूरज भी अपनी किरणें बिखेर रहा है और एक हफ्ते बाद हमें धूप मिल रहा है, धूप में घूमने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी इधर इन डालियों को इसलिए डाला गया है क्योंकि जो दो पहिए होते हैं ना इसमें से ऐसे चला के इधर से लाते हैं तो ये पूरा नुकसान हो जाता है ये फसल, इसलिए ना इनको डाल दिया है ताकि जो पहिया है दो पहिया वो इसमें आए और यहाँ से ऐसे जाए। चार पहिए भी इधर घुसा देते हैं क्योंकि सारे के सारे लोग अब कांड करने वाले हो गए हैं, ना कुछ करते ही रहते हैं खुरापाती। और दर्शकों अभी मैं अपने खेत से लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर नीचे की तरफ आ चुका हूँ और इधर पूरा जंगल है, पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं अगल बगल, और इधर चिड़ियों की आवाज़ सुन सकते हैं, चिड़ियाँ अपना चारा चर रही हैं। इधर देखिए जगह जगह पे दलहन की फसल लगाया गया है, ये पूरा दलहन है, इधर मूंगफली है, ये सब दलहन वाले हैं, उड़द दाल है, सारे सारे उड़द दाल है। और इस साइड कोई बकरी चरा रहा है, यहाँ पे बादलों का सीन देखिए, मस्त हवा चल रही है, आप यहाँ पे बैठकर मस्त चिड़ियों की आवाज़ सुन सकते हैं, मज़ा आएगा आप। देखिए बकरी यहाँ पे आम पेड़ के नीचे मस्त आराम कर रहे हैं बैठकर। अब चलिए अपने खेतों की ओर चलते हैं। इस बांध का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, एक बार नहा के निकलते हैं ना तो सर से लेकर पैर तक पूरा बॉडी ठंडा पड़ जाएगा। अब थके हारे हैं तो यहाँ एक बार नहा लीजिए, पूरा फ्रेश हो जाएंगे। गर्मी के दिनों में क्या होता है कि ऊपर का ऊपरी परत गर्म हो जाता है बट नीचे का जो पानी है वो पूरा ठंडा रहता है, तो आप अंदर डुबकी लगाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। तो गर्मी के दिनों में मैं तो नहाता हूँ और खूब डुबकी लगाता हूँ अंदर साइड, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। चलिए खेत के पास पहुँचते हैं, फिर वहाँ सिलाई का काम स्टार्ट करेंगे।
3 बज चुके हैं अभी। इस खेत के बगल में एक तालाब है, इधर पूरा खाई नीचे गड्ढा है, खाई जैसे गड्ढा जाती जा रहा है। और जब पानी कमी पड़ जाए तो इधर बांध से अपन मोटर चालू करके इधर पानी की पूर्ति करते हैं। गर्मी महीना में इधर ही बांध से ही पानी पूर्ति करते हैं, इधर जब धान की खेती करते हैं तो। और अभी ये थोड़ा पकड़ते हैं और उधर नीचे साइड से पहले स्टार्ट करते हैं सिलाई करनी, ठीक है। अंदर ही अंदर पानी जा रहा है, बड़ा खतरनाक है। काम चालू हो चुका है, यहाँ से है अपना खेत, यहाँ से साफ करते करते उधर जाना है। सकूँ अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैं बाइक लेकर घर से आया हुआ हूँ। मैं 5 बजे घर चले गया था यहाँ से, क्या है ना कि 3 बजे से मैं काम कर रहा था यहाँ, जो काम कर रहे थे उन लोग के साथ, और काम करते गया फिर 2 घंटा जैसे निकला यानी कि 5 बजा, मेरी एनर्जी पूरी तरह से लॉस्ट हो गई, ख़त्म हो गया, रत्ती भर भी एनर्जी नहीं बचा, जिससे कि मैं हाँपते कपड़ा पकड़ा वहाँ अपनी कुटिया में, फिर कपड़ा पकड़ कर यहाँ बांध में नहाकर एक कोई अपना भाई आ रहा था उससे लिफ्ट लेकर सीधा घर चले गया। घर गया, वहाँ पे बिस्तर में सो गया। सोने के बाद वहाँ मेरी माँ को मैंने चाय वगैरह बनवाया और चाय पीकर फिर से अभी मैं आया हुआ हूँ और ये सारा का सारा सीन आप लोग को शूट करके दिखा रहा हूँ। और दर्शकों, अभी हमने 1, 2, 3 ये तीनों खेत कंप्लीट कर दिए हैं, ये देख सकते हैं। और ये जो बीच का नाली है ना, इसे भी कंप्लीट कर दिया गया है और आगे पूरा वहाँ तक है, स्टार्टिंग पॉइंट से पूरा लास्ट तक कंप्लीट कर दिया गया है। तो बचा इधर से ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला 3-4 खेत हैं और नीचे में एक और खेत है। तो ये सारा का सारा खेत कल कंप्लीट करेंगे, कल नहीं हुआ तो परसों कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, बुनाई होगा तो बुनाई करेंगे, नहीं तो रुपाई ही करना है। और जहाँ तक है मेरे को लग रहा है रुपाई ही होगा, क्योंकि अब बुनाई होगा तो फिर धान की बुनाई करने में 90 से 100 से 120 दिन ऐसे लगता है। अब बीज से सीधा अंकुरित होगा, अंकुरित से फिर बढ़ने लगेंगे पौधे, और रुपाई में क्या सीधा पौधे रहते हैं, 1 महीना 2 महीना हो चुका रहता है तो उसमें दिक्कत नहीं रहता। तो देखेंगे कल क्या होगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे कौन है ब्लॉग में, तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें, मिल बांट कर खाएं, सुख बांटें, दुख बटाएं, जीवन की सारी चिंता घटाएं। सी यू, टेक केयर, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। Yeah.